पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले कुर्मी समुदाय का बड़ा जमावड़ा। विधायक थप्पड़ के मामले ने पकड़ा तुल। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर लखीमपुर में भारी तनाव है। दोनों गुट भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले कुर्मी समाज के हजारों लोगों ने मेमोरियल हॉल में बड़ी सभा की। विधायक को थप्पड़ मारने के आरोपी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पूर्व अर्बन बैंक अध्यक्ष पुष्पा सिंह व मारपीट में शामिल उनके समर्थकों के विरुद्ध FIR व तत्काल गिरफ्तारी, कोतवाल लखीमपुर के निलंबन, SDM व अर्बन बैंक चुनाव के ट्रांसफर की मांग की। सभा के बाद पंक्तिबद्ध होकर सभी DM कार्यालय गए, जमकर नारेबाजी की। मौके पर आए SP गणेश प्रसाद शाह को ज्ञापन दिया। SP ने कहा कि इस मामले में कई तहरीर आई हैं, न्यायोचित कार्यवाही होगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, व्यापार मंडल, वैश्य समाज, जनता दल यस, राष्ट्र कुर्मी महासंघ आदि संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी विधायक के समर्थन में मौजूद रहे। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए, पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला। आपको भी पीटा है, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप, ये प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? ये आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, नजदीक भैया। अभी थोड़ी देर पहले करीब 11:30 बजे करीब हम पर्चा लेने अपना गए थे, तो उधर से विधायक योगेश शर्मा शराब पिए, वो पूरा प्रशासन देख रहा है, शराब पी करके इतना गिर पड़ रहा था। मेरे साथ ज्योति शुक्ला जी थी और मैं पर्चा लेकर के जैसे ही बाहर निकली तो उनके साथ 2-3 लोग थे, क्योंकि हम उनको पहचाने नहीं, मैं नाम बताऊंगी। एक सोमू सिंह अभिषेक वो थे, और एक हेमू गुप्ता था। ये दोनों लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम निकले तो मेरा पर्चा ऐसे छीना, तो मैंने ऐसे किया और फिर उसने ज्योति शुक्ला को धकेला। जब ज्योति शुक्ला गिर गई तो मैंने उसको जो है, उस समय कोई नहीं था, प्रशासन था, मैंने ज्योति शुक्ला को खींचा और फिर मैं भी कह रही हूँ, जब उसने मैं महिला हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, इस समय महिला मोर्चा जिला प्रभारी हूँ, और मैं आधी आबादी का खुद नेतृत्व कराती हूँ, और मुझ पर वो शराब पी करके विधायक, और मैं पूरे नवरात्रि व्रत हूँ, या तो झूठ बोलूँ या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊँ, इतना। उसके बाद जब हमको ढकेला तो मैंने भी उसको ढकेला। तब तक ज्योति शुक्ला ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि दादा ये जो है भाभी को बहुत ढकेल रहा है, बदतमीजी किया लेकिन मैंने भी उसके साथ बदतमीजी किया बहुत तेज, मुझे भी ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने भी ढकेला। तब तक मेरे वकील साहब, मेरे साहब जो हैं उधर से आए और थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई उसमें मेरा, और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, पूरा नगर, पूरा सदर विधायक असुरक्षित महसूस करता है ऐसे कृत्य से, ऐसे व्यक्ति से। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे जिले में हुआ था, करीब 7 दिन पहले, इसने दारू पी करके जो तांडव किया है उस तांडव का पूरा प्रदेश, जिला, प्रदेश, भारत जान रहा होगा। पूरे रात उसने जो तांडव किया और बोला कि मैं दरुआ हूँ। ये सब मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं आदि आबादी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी समाज में निकलते हैं, और हमारे योगी जी के राज में महिलाएं स्वच्छंद निकलती हैं और बात करती हैं, लेकिन ऐसा विधायक, मैं कह रही हूँ, ऐसा विधायक ना कभी भूत हो ना भविष्य आना नहीं चाहिए, जो महिलाओं का अपमान के लिए ही निकला है। मैं ऐसे विधायक को, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे विधायक को सख्त से सख्त दंड दे, और मुझे और एक बार नहीं, मुझे मेरे साथ हमेशा बदलता करता है। मैंने जब इसका 2017 में इलेक्शन था, मैंने जान लगा दिया, एक एक घर गई। 2000 आगे जब 22 का चुनाव आया तो मैं इसके साथ गई, बट मैं महिला हूँ, मैं संभ्रांत परिवार की महिला हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ। उसके बाद जब इतनी बदतमीजी करता है, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ, जब मैं एकदम कोई पक्षपात नहीं है, और आप सब लोग भी एकदम निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करें।